नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी। मैं इसलिए इसको कहने जा रहा हूं क्योंकि मैं आज आपको ऐसे एक डिपार्टमेंट से, एक ऐसी रक्षा वाहिनी से मिलाने जा रहा हूं जो पुलिस ही नहीं बल्कि हर एक डिपार्टमेंट में अपनी पूर्ण जिम्मेवारी निभाती है। मैं आपको आज इनके 59वें स्थापना दिवस की तरफ ले चल रहा हूँ। होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस जो हमारी एक फोर्स है, जिसको आप चाहे फॉरेस्ट में देखते हैं, चाहे आप अग्निशमन विभाग में देखते हैं या फिर पुलिस विभाग के साथ भी देखते हैं, हर जगह इनकी जिम्मेवारियाँ आप पूर्ण रूप से जो निभाते हुए इन जवानों को आप देखते हैं। और आज आप इनके हौसले को बढ़ाने के लिए, इनके अंदर वो जज्बा जगाने के लिए इस स्थापना दिवस में, जो इनका 59वां स्थापना दिवस है, स्वयं डीसी हमीरपुर देव श्वेता बणिक जी आई हैं और कमांडेंट साहब स्वयं आज यहां पर आए हैं। और इस दिन का आज ये जवान बड़े ही एक अच्छे तरीके से, जोश से जो है इस दिन को मना रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आज इस स्थापना दिवस के लिए केक भी काटा गया और जवानों द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रयोग बताए जा रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी अभी आपको दिखा रहे हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिखाएंगे, डीसी मैडम आज यहां पर स्वयं आई हुई हैं और भी बहुत सारे लोग यहां पर आप देख रहे हैं जो इस स्थापना दिवस पर आज जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और जब इन जवानों के अंदर जोश और जज्बा पैदा होता है तो ये और भी अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि होमगार्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो पुलिस बल से लेकर हर एक जगह पर अपनी जिम्मेवारियां निभाती है। यानी अगर पुलिस का कहीं रोल हिमाचल प्रदेश में है तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये होमगार्ड जवान भी हैं जो अपनी ड्यूटीज़ को दिन रात एक करके, मेहनत करके निभाते हैं और हम सब लोगों की रक्षा के लिए ये कार्य करते हैं। तो आज इस स्थापना दिवस पे ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी करेंगे, कुछ रंगारंग कार्यक्रम जैसे मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं ये अभी चल रहा है। और इस तरह से कुछ कला भी, बाजियाँ भी इन्होंने की हैं, कुछ और भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाए जाएंगे जो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आप होमगार्ड यूनिट का जो काम करने का तरीका है उनको सबको देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको लेकर चलूंगा डीसी महोदय से भी आपकी बात कराएंगे होमगार्ड यूनिट को लेकर इनका किस तरह से वक्तव्य है और क्या ये शुभकामनाएं उनको देना चाहते हैं। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ में। तो आइए मैं आपकी बात कराता हूँ उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बणिक जी से, जिन्होंने आज इस स्थापना दिवस पर होमगार्ड के जवानों की सराहना की और उन्होंने खासकर दो तीन चीज़ों पर बड़ी तवज्जो दी कि एक तो जो कोरोना के समय में इस 10वीं वाहिनी के जो रोल रहा है किसी भी तरह से वो बड़ा ही पॉजिटिव रहा है। और उसके साथ साथ में जो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोरोना में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने अपनी सेवाएं दी हैं किसी भी क्षेत्र में, और केवल एक ही नहीं, मैं जो सबसे बड़ी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि अगर आज पुलिस के अंदर से होमगार्ड जवानों को हटा दिया जाए तो पुलिस बल अधूरा हो जाएगा, इस बात को कोई भी शंका नहीं है। और केवल इन जवानों की मेहनत का परिणाम है जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश के हर कोने में होमगार्ड जवानों द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे बीच में डीसी साहब यहां पर खड़े हैं, उन्होंने सारी बातें आज स्थापना दिवस को लेकर, मैं बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। दो तीन बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से कही हैं जो आपने इन जवानों की जो मेहनत है, चाहे वो कोरोना के समय में रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रही है, किस तरह से आप इन जवानों के और हौसले को बढ़ाने का प्रयास करेंगी एज ए उपायुक्त होने के नाते, और किस तरह से ये जवान और अपने आप को बेहतर सुरक्षा देने के लिए या सेवाएं देने के लिए तैयार कर सकते हैं? धन्यवाद जी, आप सभी के माध्यम से मैं एक बार फिर हमारे 10वीं वाहिनी हमीरपुर के होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस की बटालियन को, उनके सारे रैंक्स एंड ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके रेजिंग डे के अवसर पे। आज 6 दिसंबर को ही 59 ईयर्स आज हमने पूरे कर लिए हैं इस वाहिनी की अस्तित्व का, और इनके कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुशील कौंडल जी, और इनके अथक प्रयासों से, इनके सारे टीम के बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है आज इतना भव्य कार्यक्रम हम सब ने देखा। ये शायद हमीरपुर में पहली बार इस स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है, हम सभी को दोबारा इस बारे में बधाई देना चाहेंगे। आप सबको पता ही है
हमने कार्यक्रम के दौरान भी कई बार चर्चा की और सुना कि कितनी सारी अलग अलग गतिविधियों में होमगार्ड्स के जवान अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वो टेंपल की सिक्योरिटी हो, चाहे वो कोविड के दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज हो। इनफैक्ट हमीरपुर में कमांडेंट साहब के ही अंडर जो है फायर सर्विसेज विभाग भी आता है और वो भी बहुत तत्परता से, बहुत अच्छे तरीके से जब भी फायर सीजन होता है या कोई भी इस तरह की आपदा होती है तो अपनी सेवाएं तुरंत जो है त्वरित रूप से देते हैं। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम सभी के बीच में इनके कार्य गतिविधियों के, इनके कार्यों की और ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा जागरूकता हमारे बीच होनी चाहिए। और इसी कड़ी में कई सारी अच्छी गतिविधियां इस साल जो हैं हमारे पूरे होमगार्ड्स की बटालियन के साथ हम कर पाए हैं, उसमें सबसे खास रही हैं कि स्वर्णिम हिमाचल का वर्ष जो है हम मना रहे हैं, उसमें हर उपमंडल में, हमीरपुर के हर उपमंडल में हमने लोगों को जोड़ते हुए, यंगस्टर्स को जोड़ते हुए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो आसपास गांव में होते हैं उनको जोड़ते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस का लाइव डेमोंस्ट्रेशन और ट्रेनिंग जो है वो लोगों के लिए करवाया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो ज़िला के लोगों से हमें आया। ये पहली बार ऐसी गतिविधियां जो हैं जनता के साथ मिलके जो है ऑर्गेनाइज़ की गई और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और आगे भी ये गतिविधियां जो हैं इसी तरह से चलती रहेंगी। हमारे होमगार्ड्स के जवान लेड बाय कमांडेंट साहब हिमसेल्फ, हम लोग मून पी की एक्सपेडिशन जो है, जो धौलाधार घाटियों में, धौलाधार रेंजेस में मून पीक है, बहुत ही मुश्किल एक ट्रैक होता है, बहुत ही ट्रेचरस सा पाथ होता है और ये इनकी जो टीम है वो मून पीक को कॉन्कर करके आई, हमारा नाम रोशन करके आई अक्टूबर के महीने में मून पीक पे। और इसी के तरह बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू, बहुत सारे क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स में, इमरजेंसी सर्विसेज में होमगार्ड्स के जवान जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं और आगे भी जो जो इस तरह की गतिविधियां प्लान करने में उनका सहयोग हमें मिलता रहता है और हमारा भी सहयोग जो है उनके साथ जैसा हम कोशिश करते हैं कि हमारा हो और आगे भी हमेशा ही उनका, हमारा साथ रहेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अमूल्य शब्द आपने होमगार्ड जवानों के बारे में कहे हैं। हमारे बीच में जो कमांडेंट हैं होमगार्ड कमांडेंट एसके कौंडल जी, वह भी मौजूद हैं और उनके माध्यम से भी हम इस स्थापना दिवस पर क्या जो उनके विचार हैं वो अपने जवानों के लिए वो देना चाहते हैं, किस तरह की प्रेरणा देना चाहते हैं और ख़ासकर जो इस टाइम में आपके इस पूरी कमांडर हैं जो पूरी यूनिट को आज देख रहे हैं जिला हमीरपुर में एसके कौंडल जी, उनका जो योगदान है इस पूरी यूनिट को लेकर चलने का, उनके अंदर जो जोश और जज्बा भरने का, वो बहुत ही अग्रणी है, बहुत बेहतरीन है। और ये जो कार्यक्रम शुरुआत किया है ये पहली बार शुरुआत हुआ है कोरोना महामारी के समय, आपने देखा ही है कि होमगार्ड के जवानों ने अपनी सेवाएं देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, किसी तरह से भी कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं किसी भी स्तर पर। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है जवानों के अंदर, जो एक मैसेज दिया है उनके जो जोश के लिए, जो एक प्रेरणा दी है, एक मसाल जलाई है इस कार्यक्रम को करके, ये आगे भी जारी रहेगा और किस तरह से सारी बातें रहेंगी हम आपकी बात कराएंगे श्री एस के कौंडल जी से और उनका क्या कहना है इसको लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनोत्साह न्यूज़ पर और बहुत ही सराहनीय प्रयास हम इसको कहेंगे कि आपने अपने जवानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम किया है जहां पर इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम भी किए, प्रतियोगिताएं कई करवाई आपने, खेलकूद भी कराया, गाने का भी मौका दिया, कहां से ये सोच आई और किस तरह से आपने इसको लेकर ये जो शुरुआत है वो बड़े कम वक्त में, जैसे बता रहे हैं 3-4 दिन में ये तैयारी की है, किस तरह से ये प्रेरणा जो है जवानों के लिए आपने शुरू की है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और हमारे बीच में आप आए और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आपने अपना योगदान दिया। जहाँ तक रहा सवाल कि मतलब ये कैसे हमारे सोच के अंदर आई, मैं आपको बता दूं कि गृह रक्षा विभाग का जो गठन है बेसिकली वो एक आर्मी स्टैब्लिशमेंट, जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस के ऊपर है और आर्मी जो क्या करती है वो आप सबके सबने 26 जनवरी को आर्मी को देखते ही हैं, उसी लाइन्स के ऊपर मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं इंडियन आर्मी से आया हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार से अपने जवानों का मोराल अप करना है, कैसे उनको कठिन वक्त के अंदर आगे बढ़ाना और कैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चढ़ना है और आगे बढ़ना है। जिसकी मतलब शुरुआत हम लोगों ने जो है स्वर्णिम हिमाचल के तहत जो है सारे सब डिविजन्स के अंदर जो है डिज़ास्टर के प्रोग्राम्स करने के साथ की थी, उसके बाद ही मतलब हमें जिला प्रशासन से सहयोग मिला जिसके तहत हम लोगों ने मून पीक एक्सपेडिशन की और इसी के आगे चलते हुए मुझे ये मानना है, मेरी ये सोच है कि आगे चल के जो फ्यूचर है वो आपदा का ही है। अगर यदि आज मैं अपने जिला वासियों को आपदा के अंदर ट्रेन नहीं करूँगा
तो मेरा ज़िला कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, जिसके लिए मतलब मेरी जो टीम है, मेरे कंपनी कमांडर्स हैं, मेरे और जितने भी साथी हैं, जिला प्रशासन है, मेरे मीडिया बंधु हैं, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। और इसमें सिर्फ आप सबका प्यार और आप सबका योगदान और जिस प्रकार से आप हमारे बीच आके हमारा हौसला अफजाई करते हैं, ये यही कारण है जिसके कारण जो मेरे जवान और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे यही भी मतलब गुजारिश करूँगा कि हमेशा इस प्रकार से आपका प्यार और साथ बना रहे। जी, यहाँ पर सर मैं बहुत ही दो तीन अच्छी बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं सब लोग सहयोगी खड़े हैं हमारे बीच में। कृष्ण जी हैं, बल बिहाल से आए हैं और हमारे बीच में ये बिजली के जो फायर ब्रिगेड के पूरा इंचार्ज इनके पास है। और एक मैं सर से भी इस विषय पर लेकर चलूँगा, हमारे बीच में अशोक रांगड़ा जी हैं, पीछे आप देख रहे हैं हमीरपुर के पूरे कमांडेंट हैं। इस तरह से संजीव कुमार जी हैं हमारे बीच में, जुगविंदर सिंह जी हैं, मैडम जी हैं। आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया और बड़ी अच्छी आप लोगों ने एंकरिंग की है। सर, एक सबसे अच्छी बात जो मैं बधाई देना चाहूँगा, बिजली क्षेत्र में फायर ब्रिगेड द्वारा एक ज़मीन को अभी चिन्हित कर दिया गया है और वहाँ पर आप लोग एक फायर स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करें, किस तरह से आप लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं और सरकार से और क्या क्या सहयोग की आप उम्मीद करते हैं इसमें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मतलब सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पर जो फायर चौकी खोली है और आगे हमारे पास जो है इस टाइम के ऊपर हम रेंटेड अकोमोडेशन के अंदर हमारी फायर चौकी चल रही है जी। और बहुत ही जल्द जो मेरे साथ पूरे महानुभाव खड़े हैं, इनके सहयोग से, साहब लोगों के सबके सहयोग से जो हमें वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हुई है, हमें ज़मीन मिल गई है। उपायुक्त महोदय द्वारा जो ज़मीन हमारे विभाग के नाम कर दी गई है, अभी अति शीघ्र मतलब इसके जो ड्राॅइंग्स वगैरह बना दी जाएंगी और उसके ऊपर त्वरित मतलब तौर के ऊपर जो काम वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत जल्द जैसे ही ऊपर से मतलब ड्राॅइंग्स पास होने के बाद बजट सेंक्शन हो जाता है, आप जो है बिजड़ के अंदर एक फुल फ्लैश जो है फायर चौकी को देखेंगे और दैट विल बी मतलब एक मॉडर्न फायर चौकी जो है जी, जो हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए त्वरित है, हाजिर है और अवेलेबल है जी। सर, ये आप सब लोगों की, ये आपकी जो मेहनत है, आपके पूरे स्टाफ की, खासकर साहब की, इन सब की जितना भी सहयोग, मैं एक बड़ी बात जो हिमाचल वासियों को बताना चाहता हूँ, जो बड़ी आप लोगों को गौर करने वाली बात है। जैसे अभी साहब ने, ये सर ने कहा कि आपदा का समय है आने वाले समय में, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी समय आ सकता है, किसी को पूछ के नहीं आता। चाहे वो कोरोना महामारी हो या किस तरह का कोई अर्थक्वेक आ जाता है या किस तरह का कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, ऐसे समय में होमगार्ड जवानों की सेवाएं सबसे सर्वप्रथम और सबसे पहले ली जाती हैं। इसलिए जहाँ पर भी आपको होमगार्ड जवान मिले उनका रिस्पेक्ट करें। आप उनको ये ना सोचें कि वो कोई छोटा अधिकारी है, आप ये ना सोचें कि पुलिस की रिस्पेक्ट ज़्यादा करनी है और उनकी कम करनी है, बल्कि मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करें क्योंकि ये सबसे आगे खड़े होते हैं हर एक समय में, नॉट इन ओनली पुलिस विभाग, बल्कि चाहे वो फायर ब्रिगेड विभाग हो, चाहे वो डिज़ास्टर की या किसी मंत्री नेता की, किसी की, आप कहीं भी कोई बात आ जाती, सबसे आगे ये जवान खड़े होते हैं। तो हमारे जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से भी हम इन्हें सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि इनकी सेवाओं के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, हमें इनका हौसला बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। जैसे कि एस के कौंडल जी ने अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, इन लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रस्तुतियाँ इन लोगों ने दी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि और भी भविष्य में इनके परिवारों के लिए सरकारें सोचें, सरकार खासकर इनके पे स्केल के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि एक सर्वाइबिलिटी किसी व्यक्ति के लिए, मैं इनकी लेकिन अपनी तरफ से ये बात बोलना चाहता हूँ कि सरकारों को आज इनके सर्वाइबिलिटी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, इनके भविष्य के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के अच्छे प्लानिंग्स के लिए इनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।